हमारे बीच बहुजन समाज की धड़कन, बहुजन समाज के नाम को आगे उठाने वाली ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनको डॉक्टर स्वराज विद्वान के नाम से जाना जाता है और पूरे समाज की निगाहें डॉक्टर स्वराज विद्वान पे टिकी हुई हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो आज माया नारायण जो मेडिकल कैंप हुआ उसमें आने पर मैडम को क्या अच्छा लगा और इस तरीके के मेडिकल कैंप और भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैडम, आपका SM न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा, माया नारायण जो यहाँ पर चिकित्सालय है वहाँ पर जो ये स्वास्थ्य जांच शिविर लगा है बहुत ही अच्छी पहल है और मैं आयोजकों को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं देख रही हूँ जब से मैं यहाँ पर आई लोगों का तांता लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार की जांच यहाँ पर निःशुल्क कराई जा रही है। मैं समझती हूँ कि दिल्ली जैसे बहुत बड़े शहर में इस प्रकार के आयोजन कराना बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में इस प्रकार के कैंप लगाने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं भी जागरूकता का बहुत अभाव है और लोगों की स्वास्थ्य की बहुत दिक्कतें हैं। हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है, विद्यालय नहीं है, इससे लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़क नहीं है, अभी बिजली नहीं है, पानी की दिक्कत है, हॉस्पिटल की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है, ऐसे क्षेत्रों में भी यदि इस प्रकार के आयोजन हो, ऐसे कैंप लगे तो लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, लोगों का बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। विद्वान जी, जैसे कि जब आप जब से आयोग के मेंबर बने हैं और लोगों का जो सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनसे मुलाकात होती है कि पहले मिलने के लिए बहुत लाइन लगानी पड़ती थी और वहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती थी अन्य पार्टी के लोग आयोग के मेंबर बने, लेकिन जब से आप आयोग में आई हैं तो सुना जाता है कि आपसे मिलना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इस समाज के लिए आप कितना खरा उतरेंगे? आपका प्रश्न बहुत कठिन है। मैं कोशिश करूंगी कि समाज की जो अपेक्षा है मुझसे उन पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी। रही बात जो आप कह रहे मिलने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सबको बोल रखा है कि जो भी समाज का व्यक्ति आयोग में आता है और हमें मिलना चाहता है, हमसे कोई सहायता चाहता है, वो ऑफिस के समय की बात तो दूर है, वो किसी भी समय कहीं भी मुझे मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है और मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि मैं उस पीड़ित के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी रहूंगी, उसकी समस्या का निस्तारण कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, ये मैं कहना। विद्वान जी, जैसे कि वो बाबा साहब ने 3 वो दिए थे कि शिक्षा लो और संगठन में रहो और संघर्ष करो, लेकिन शिक्षा के माध्यम से तो आपने ये द्वार खोल दिए। हर एक मन से नेता बोलते हैं कि आपको शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा कहाँ से लेगा, स्कूल कहाँ से जाएगा जब उसके पास आने जाने का साधन ही नहीं होगा। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ध्येय वाक्य है जिसको मंत्र बोलते हैं पूरे देश के लिए। मैं नहीं कहूँगी कि केवल अनुसूचित जाति समाज के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए उन्होंने बोला है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और इन ध्येय वाक्यों में से यदि हम एक वाक्य पे भी खरे उतर गए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और यदि हम इन तीनों वाक्यों को मूल मंत्र समझकर इन पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में निखार आएगा, समाज की प्रगति होगी। और आपने जो पूछा है कि विद्यालय शिक्षित कैसे होंगे, उसके लिए मैं समझती हूँ शिक्षा का प्रतिशत आज हम पूरे देश में महिला समाज में हो चाहे अनुसूचित समाज में हो, काफ़ी शिक्षित लोग हो गए हैं, लेकिन ज़रूरत है
हमें सजग रहने की, शिक्षित रहने से ही काम नहीं चलेगा, सजग भी रहना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए भी, केवल अधिकारों के लिए नहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजगता रखनी पड़ेगी, अधिकारों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा और अपने अंदर निरंतर जागरूकता रखनी पड़ेगी और हमारी जागरूकता से हमारे अन्य भाई को भी फायदा हो ये संकल्प लेना होगा। आवाम से क्या अपील करना चाहती हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं, टिकटिकी लगाए हुए बैठे हैं कि हमारा आदमी वहाँ बैठा है, हमारा ही नहीं आप सब समाज के काम करने के लिए आए हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भाई बंधुओं को, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे अन्य हमारा वर्ग हो, मैं सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि यदि आपको कोई परेशानी है, यदि आयोग संबंधित आपका कोई भी कार्य है तो आप निसंकोच मेरे पास आ सकते हैं। आयोग में आज आपकी बेटी बैठी हुई है, आपकी बहन बैठी हुई है, इस भाव को ध्यान में रखते हुए आप आयोग में आ सकते हैं। और मैं एक और बात भी करना चाहूँगी कि उसकी जो शिकायत होगी उसमें जान होनी चाहिए, झूठी शिकायत नहीं होनी चाहिए। झूठी शिकायत होगी तो मैं उसी अधिकार के साथ, जिस अधिकार के साथ मैं ये बोलती हूँ कि मैं आपकी बेटी और बहन हूँ, उसी अधिकार के साथ आपकी बेटी और बहन होकर ही मैं आपको भी आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हूँ यदि झूठी शिकायत किसी की पकड़ी गई। और सच्ची शिकायत पे मैं हर समय आप लोगों के साथ हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारे लोगों के साथ कई तरह की समस्याएं होती है, चाहे वो रोस्टर संबंधी गड़बड़ी हो, चाहे वो पोस्टिंग ट्रांसफर इससे संबंधित जो भी बात होगी, मैं निसंदेह आपकी हेल्प करूँगी और आयोग के नियमों के मुताबिक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं काम करूँ। मैडम अभी आपके शायद संज्ञान में वो केस आया है या नहीं आया है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक LIC के महानिदेशक हैं जिन्हें डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है, उन्होंने एक फेसबुक पे और ट्विटर पे कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो तुलसीदास जी ने बोला था, लेकिन अब जो सरस श्री वास्तव जी हैं उन्होंने बोला ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब पीटन के अधिकारी। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी मानसिकता वो इस कदर है। निसंदेह यदि उन्होंने ऐसा बोला है इतने बड़े पद पे होकर, इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर के, मैं उसकी निंदा करती हूँ। उन्होंने बहुत गलत बोला है। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि उनको शायद संविधान की जानकारी नहीं है, यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत की है। इस तरह का वाक्य उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला बनता है यदि उन्होंने इस तरह की बात वो समाज में करते हैं। यदि इस तरह की भावना वो अपनी प्रदर्शित करते हैं समाज में तो सर्व समाज को भड़काने का और समाज को दूषित करने का मामला उनके प्रति बनता है यदि उन्होंने ऐसे, मेरे संज्ञान में वो बात आई नहीं है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो पत्रकारों पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, इसलिए यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो निश्चित रूप से उन्होंने गलत बोला है। उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए या तो इससे समाज में बहुत विद्रोह हो जाएगा। धन्यवाद।